स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू द चैनल। हमने चैप्टर बिजनेस में कंटिन्यू करना है, दैट इज द फाइनेंशियल मार्केट। इस चैप्टर का मैक्सिमम पोर्शन हम कवर कर चुके हैं प्रीवियस क्लासेस में। आज हम इसमें टॉपिक जो लास्ट क्लास में स्टार्ट किया था, दैट वाज सेबी, आज उसे कंटिन्यू करेंगे। मैंने आपको बताया था सेबी क्या है। सेबी इज एन इंटरिम एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी। इंटरिम मतलब टॉप मोस्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब कंट्रोलिंग। कंट्रोल करने वाली किसको? स्टॉक एक्सचेंज को कंट्रोल करने वाली टॉप मोस्ट बॉडी को सेबी बोलते हैं। और मैंने आपको बताया था कि सेबी कब बनी थी, 1988 में, बट उसको पावर्स दी गई थी मई 1992 में। और रीजन हम सब जानते हैं, स्कैम हुआ था उस साल में। एक्चुअल में स्कैम तो पुराना था, उस साल में पकड़ा गया। तो उस साल में सेबी को क्या दिया गया था, लीगल स्टेटस। पहले वो वॉचडॉग था, बट उस टाइम पे उसको लीगल रिकॉग्निशन दी गई थी। क्यों दी गई थी लीगल रिकॉग्निशन, या सेबी को बनाने की जरूरत क्या थी, हमने कल समझ लिया था। क्योंकि जैसे जैसे स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेडिंग बढ़ रही थी, वैसे वैसे मैल प्रैक्टिसेस भी बढ़ रही थी। मैल प्रैक्टिसेस लाइक प्राइस रिगिंग, डिले इन डिलीवरी ऑफ शेयर्स और इनसाइडर ट्रेडिंग जैसी एक्टिविटी बहुत ज्यादा बढ़ रही थी। और इस वजह से शेयर होल्डर्स का मार्केट के ऊपर से ट्रस्ट ब्रेक हो रहा था। उसको बचाने के लिए हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक बॉडी बनाई, उसका नाम रखा सेबी। तो सेबी को बनाने का मेन रीजन क्या था, इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करना। पढ़ते हैं पर्पस एंड रोल ऑफ सेबी। यहां से स्टार्ट करना है। सेबी वॉज सेट अप विद द मेन पर्पस ऑफ कीपिंग अ चेक ऑन मैल प्रैक्टिसेस एंड प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर। तो सिंपल सा मीनिंग बताया, क्यों बनाया गया था, जिससे कि कोई मैल प्रैक्टिसेस यानी गलत काम ना हो शेयर मार्केट में और शेयर होल्डर यानी इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट सेफ रहे। इट वॉज सेटअप टू मीट द नीड ऑफ देयर ग्रुप। ये सबकी जरूरत पूरी करने के लिए बना था। और वो ग्रुप में कौन कौन आते हैं, नंबर वन इश्यूअर्स, यानी के जो कंपनी है वो इश्यूअर होगी। इश्यू कौन करेगा शेयर, कंपनीज, तो उनको प्रोटेक्ट करते हैं। उनको कैसे प्रोटेक्ट करती है मार्केट, सेबी उनको कैसे प्रोटेक्ट करता है, कि उनको एक अच्छी मार्केट देता है जहां पे फेयर डीलिंग होने वाली है। अब अच्छी मार्केट में क्या होता है, जो कंपनियां अच्छी हैं वो ज्यादा ग्रो करेंगी। देखो क्या लिखते हैं, फॉर इश्यूअर्स इट प्रोवाइड्स अ मार्केट प्लेस इन विच दे कैन फाइनेंस फेयरली एंड इजीली। वो आराम से अपने फंड्स को रेज कर सकते हैं। नंबर टू, दूसरा किसको, इन्वेस्टर्स। देखो क्या लिखते हैं, फॉर इन्वेस्टर्स इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन एंड सप्लाई ऑफ एक्यूरेट एंड करेक्ट इंफॉर्मेशन। कैसी इंफॉर्मेशन देते हैं, एक्यूरेट और करेक्ट। नंबर थ्री, इंटरमीडियरीज। इंटरमीडियरीज कौन होते हैं बेटा, ब्रोकर्स। ब्रोकर्स के लिए भी एक अच्छी मार्केट देता है जहां पे वो इजीली फंड्स को ट्रांसफर करके अपनी कमीशन कमा सकते हैं। देखो क्या लिखते हैं, इट प्रोवाइड्स कॉम्पिटिटिव एंड प्रोफेशनल मार्केट। उन्हें एक अच्छी मार्केट देता है जहां पे वो भी पैसा कमा सकते हैं। तो तीन लोगों के लिए ये काम करता है, ऑब्वियसली इश्यूअर्स, इन्वेस्टर्स, ब्रोकर्स। तो सिंपल सी बात है ना, तीन ही लोग इन्वॉल्व है इसमें, कंपनी जिसे पैसा चाहिए, सेवर्स जिनको पैसा लगाना है, और तीसरा बीच में आता है उनको डीलिंग कराने वाला ब्रोकर। तो सबके लिए ये काम करता है सेबी, सबका ध्यान रखेगा। नेक्स्ट, ऑब्जेक्टिव ऑफ सेबी। हमने पढ़ लिया कि सेबी क्यों बना था, वही पॉइंट इन्होंने अब नंबर वाइज लिख दिए यहाँ पे, 1, 2, 3, 4। तो आप उसी को भी लिख सकते हैं, यहां से पढ़ भी लेते हैं। ऑब्जेक्टिव नंबर वन, टू रेगुलेट द एक्टिविटीज ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। ऑब्वियसली स्टॉक एक्सचेंज के रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने वाला है ये। नंबर टू, टू प्रोटेक्ट द राइट ऑफ इन्वेस्टर्स एंड इंश्योरिंग सेफ्टी ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट। मतलब इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट करेगा और उनकी इन्वेस्टमेंट को सेफ रखेगा। नंबर थ्री, टू प्रोटेक्ट फ्रॉड एंड मैल प्रैक्टिसेस बाय हैविंग बैलेंस बिटवीन सेल्फ रेगुलेशन ऑफ द बिजनेस एंड इट्स स्टेट। कह रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन और उसका स्टेट, स्टेट मतलब उसकी गवर्नमेंट, दोनों के बीच में बैलेंस बना के रखेगा कि कोई भी मैल प्रैक्टिसेस मार्केट में ना कर सके। यानी कि मैल प्रैक्टिस मींस फ्रॉड, फ्रॉड कैन बी ऑफ एनी टाइप।
नंबर फोर टू रेगुलेट एंड डेवलप कोड ऑफ कंडक्ट फॉर इंटरमीडियरी सच एज ब्रोकर्स अंडरराइटर। कह रहे रूल्स एंड रेगुलेशन ये मार्केट के लिए नहीं बनाता, ब्रोकर्स के लिए भी रूल्स एंड रेगुलेशन है कि ब्रोकर इससे ज्यादा कमीशन चार्ज नहीं कर सकते, कुछ इस तरह के रूल्स बनाएगा। तो सेबी चार ऑब्जेक्टिव है सेबी के, सबसे पहला स्टॉक एक्सचेंज को रेगुलेट करना और लास्ट वाला कर लो इंटरमीडियरीज को रेगुलेट करना। दोनों रेगुलेशन हो गए किसके, स्टॉक एक्सचेंज को, और दूसरा रेगुलेट करना है इंटरमीडियरीज लाइक ब्रोकर्स एंड अंडरराइटर। सेकंड में इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट कर रहा है, और फोर्थ में थर्ड में फ्रॉड और मैल प्रैक्टिसेस को प्रोटेक्ट कर रहा है फ्रॉम द कंपनी एंड फ्रॉम एस्टेट दोनों से। समझ आ गया पॉइंट कैसे याद होगा, दो के रेगुलेशंस हैं स्टॉक एक्सचेंज के और इंटरमीडियरीज के, दो को प्रोटेक्शन है इन्वेस्टर्स को, और दूसरा मैल प्रैक्टिसेस से प्रोटेक्शन मिलेगी कि कोई भी मैल प्रैक्टिसेस ना हो। क्लियर, आगे चलते हैं सेबी के फंक्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बेटा सेबी का एक क्वेश्चन हर पेपर में आता ही आता है, इसके बिना क्वेश्चन पेपर सेट नहीं होगा आपका, तो ध्यान से करेंगे। तीन फंक्शन है सेबी के, पहला प्रोटेक्टिव, दूसरा डेवलपमेंटल, तीसरा रेगुलेटरी। पहले इसका मतलब समझते हैं बेटा, प्रोटेक्टिव फंक्शन क्या करेगा, सेबी प्रोटेक्टिव फंक्शन में किसको प्रोटेक्शन देगा, सबको देगा, इन्वेस्टर्स को देगा, कंपनीज को देगा, ब्रोकर्स को देगा, मतलब फेयर मार्केट जहां पे कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशन ब्रेक ना हो प्रोटेक्शन मिलेगी। दूसरा उसके लिए रेगुलेशन करेगा, पहले थर्ड पढ़ते हैं, रेगुलेशन का मतलब उसके लिए रूल्स एंड क्यों, जिससे कि कोई फ्रॉड ना हो और सबको वो रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने पड़ेंगे। अगर रूल्स एंड रेगुलेशन होंगे और प्रोटेक्शन मिलेगी, क्या मार्केट डेवलप करेगी या नहीं, दैट इज द डेवलपमेंटल फंक्शन। डेवलपमेंट कैसे करेगा, फेयर डीलिंग के थ्रू, कोई फ्रॉड को प्रोटेक्ट करके मार्केट को क्या करेगा, वो डेवलप कराएगा। और डेवलपमेंट का मतलब सिर्फ रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं होगा, डेवलपमेंट कराने के लिए काफी सारी चीजें अलाउ भी करेगा, जैसे कि स्टॉक मार्केट में पहले क्या होता था, सिर्फ और सिर्फ क्या बिकते थे, एग्जिस्टिंग शेयर्स। अब स्टॉक मार्केट में क्या आने लगे, फ्रेश इश्यू भी आने लगा। अदरवाइज हमने पढ़ा था, अभी हमने पढ़ा है क्या, कि शेयर मार्केट में अगर आपको नए शेयर खरीदने हैं तो वो प्राइमरी मार्केट में जाना होता था। अब प्राइमरी मार्केट में भी परचेज सेल अलाउ कर दी है सेबी ने, सेल नहीं सॉरी परचेज अलाउ कर दी है टू स्मॉल इन्वेस्टर्स ऑल्सो। मेरे जैसे लोग भी आईपीओ खरीद सकते हैं, भले ही मैं रजिस्टर्ड ब्रोकर नहीं हूं पर उसके थ्रू मैं आईपीओ में पैसा लगा सकता हूँ। सेबी ऐसी परमिशन भी दे रहा है, मतलब डेवलपमेंट भी पूरी करा रहा है कि आपको वो भी अलाउ करा, ऑनलाइन परचेज सेल भी अलाउ करी। अदरवाइज सेबी चाहता तो क्या करता, इंटरमीडियरीज को ऑनलाइन सेल परचेज करवाता और इंटरमीडियरीज के पास आपको जाके फिजिकली लेना पड़ता। बट वो क्या करना चाह रहा है, हेल्दी एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहा है कि ट्रेडिंग इजी हो जाए, तो इसीलिए वो उसकी डेवलपमेंट के लिए भी काम कर रहा है, क्योंकि उसके तीन काम है सेबी के, प्रोटेक्टिव, डेवलपमेंटल और रेगुलेटरी। तीनों फंक्शन को साथ साथ परफॉर्म करेगा। पहला फंक्शन पढ़ते हैं प्रोटेक्टिव फंक्शन, प्रोटेक्शन कैसे देगा, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को अलाउ ना करके। अनफेयर मैंने आपको कल दो बताए थे, प्राइस रिगिंग और इनसाइडर ट्रेडिंग। पढ़ते हैं क्या है, इट कीप्स अ चेक ऑन प्राइस रिगिंग, ये प्राइस रिगिंग पे चेक रखता है। प्राइस रिगिंग का मतलब बताया था आपको, जब कोई कंपनी का शेयर विदाउट एनी रीजन बढ़ रहा है, क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि उसके शेयर एक पर्सन ने खरीदने शुरू कर दिए और वो डिमांड क्रिएट कर रहा है, फेक डिमांड, जबकि उस कंपनी की कोई ग्रोथ अपॉर्चुनिटी नहीं है। शेयर का प्राइस बढ़ना कब चाहिए, जब ग्रोथ अपॉर्चुनिटी हो, और वो क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि उसके जितने भी शेयर कोई सेलर बेचने आता है ना, हर रेट पे खरीदने वाला बैठा है और वो चाहे कंपनी का जानने वाला, बट उससे क्या हुआ, फेक डिमांड क्रिएट हुई, डिमांड बढ़ी तो रेट बढ़ने शुरू हो जाते हैं, दैट इज नोन एज प्राइस रिगिंग। पढ़ते हैं देखो क्या लिखा है, प्राइस रिगिंग रेफर्स टू मैनिपुलेटिंग द प्राइसेस ऑफ सिक्योरिटी विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्फ्लेटिंग और डिफ्लेटिंग द मार्केट प्राइस ऑफ द सिक्योरिटी। क्या है प्राइस रिगिंग, रेफर्स टू मैनिपुलेटिंग, मैनिपुलेट मतलब किस चीज को, किसी चीज के साथ छेड़छाड़ करना, मैनिपुलेट करना उसको, समझ रहे हो बात को, इट रेफर्स टू मैनिपुलेटिंग द प्राइस ऑफ सिक्योरिटी,
आप क्या कर रहे हैं, प्राइस ऑफ सिक्योरिटीज को मैनिपुलेट कर रहे हैं विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्फ्लेटिंग और डिफ्लेटिंग, या तो रेट बढ़ाने के मकसद से या फिर रेट घटाने के मकसद से. सेबी प्रोहिबिट सच प्रैक्टिसेस बिकॉज दिस कैन डिफ्रॉड और चीट द इन्वेस्टर. इससे आप इन्वेस्टर को चीट करना चाह रहे हैं, इसीलिए सेबी इसे प्रोहिबिट यानी अलाउ नहीं करता. नेक्स्ट, सेबी प्रोहिबिट्स फ्रॉड्स एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस. वो अनफेयर प्रैक्टिसेस को अलाउ नहीं करेगा. अनफेयर प्रैक्टिस कैसी हो सकती है कि कंपनी ने आगे जान के ना अपने बारे में कुछ मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट दे दिया कि भाई हमारी कंपनी ने उस कंपनी को खरीद लिया, अब हमारी देखना ग्रोथ कितनी होगी. अब लोगों को लगा ये क्या है, ग्रोथ अपॉर्चुनिटी, उन्होंने उस कंपनी के शेयर खरीदने शुरू कर दिए. ऐसी प्रैक्टिसेस सेबी अलाउ नहीं करेगा. देखो क्या लिखते हैं, सेबी डज नॉट अलाउ अदर कंपनी टू मेक मिसलीडिंग स्टेटमेंट विच आर लाइकली टू इंड्यूस द सेल और परचेज ऑफ सिक्योरिटीज बाय एनी अदर पर्सन. ऐसी मिसलीडिंग स्टेटमेंट अलाउ नहीं करेगा सेबी. नंबर थ्री, सेबी अंडरटेक स्टेप्स टू एजुकेट द इन्वेस्टर सो दैट दे आर एबल टू इवैल्यूएट द सिक्योरिटीज ऑफ वेरियस कंपनी एंड सेलेक्ट द मोस्ट प्रॉफिटेबल सिक्योरिटी. कह रहे सेबी क्या करता है, सेबी स्टेप्स लेता है कि इन्वेस्टर्स को एजुकेट किया जाए जिससे उन्हें पता लगे कैसे कंपनी के शेयर को इवैल्यूएट करना है टाइम टू टाइम. वो सिर्फ ये नहीं कहता कि खरीदो, इवैल्यूएट करो और जज करो कि आपके हिसाब से कौन सी प्रॉफिटेबल है और कौन सी प्रॉफिटेबल नहीं है. क्लियर. पॉइंट नंबर फोर, सेबी प्रमोट्स. सेबी क्या प्रमोट करता है, फेयर प्रैक्टिसेस एंड कोड ऑफ कंडक्ट इन द सिक्योरिटी मार्केट. सिक्योरिटी मार्केट में फेयर डीलिंग होनी चाहिए और सबको कोड ऑफ कंडक्ट यानी रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने पड़ेंगे. इज इट ओके. तो हमने चार फंक्शन पढ़े उसके सेबी के. पहला, इट डज नॉट अलाउ प्राइस रिगिंग. प्राइस रिगिंग का मतलब पढ़ा क्या है, मैनिपुलेटिंग द प्राइस ऑफ द शेयर विद द मोटिव ऑफ इन्फ्लेटिंग और डिफ्लेटिंग द प्राइस ऑफ द शेयर, ये अलाउ नहीं करेगा. दूसरा, सेबी कोई फ्रॉड स्टेटमेंट को बोलना अलाउ नहीं करेगा जिससे आप दूसरे को डिफ्रॉड कर सके. तीसरा, सेबी इन्वेस्टर्स को एजुकेट करने के लिए स्टेप्स लेगा सो दैट दे कैन डिसाइड इन विच शेयर्स टू इन्वेस्ट एंड विच नॉट टू इन्वेस्ट. और लास्ट हमने क्या पढ़ा, सेबी प्रमोट करता है फेयर प्रैक्टिसेस एंड कोड ऑफ कंडक्ट. क्लियर हो गया. तो हमने इसके प्रोटेक्शन फंक्शन पढ़े. नेक्स्ट इज डेवलपमेंटल फंक्शन और उसके बाद है रेगुलेटिंग फंक्शन. इसको करते हैं नेक्स्ट क्लास में. अभी के लिए इतना ही. बाय बाय.